हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गर्ली कॉर्नर। आज हम बनाने वाले हैं पकौड़ों की कढ़ी, जिसे बनाने वाली हैं रश्मि दीदी, जो कि पंजाब से हैं, लुधियाना से। तो चलिए देखते हैं वो कैसा बनाती हैं। तो उसके लिए हमने लिया है 2 मीडियम साइज प्याज, इसे हम थोड़ा लंबा लंबा कट करके रख लेंगे, और लिया है 1/2 kg वाला एक दही पैकेट। कढ़ी के लिए खट्टी दही अच्छी होती है, तो रात में आप इसे निकाल कर बाहर रख दीजिए, सुबह तक ये खट्टी हो जाएगी, फिर सुबह इसे बना लेंगे। तो चलिए, पकौड़े बनाने के लिए हम ले लेते हैं थोड़ा सा बेसन, और उसमें डाल देंगे सिर्फ नमक। अब हम उसे पानी डालकर एक घोल बना लेंगे। हेलो, फैटना है ताकि थोड़ा फ्लफी हो जाए ना। हाँ, फिर अच्छे से फूले फूले बनेंगे, नहीं तो वो हार्ड हो जाते हैं। इसमें लम्स भी होने चाहिए ना। हाँ। किचन पूरा फैला हुआ है, तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। दीदी को जो जो सामान की ज़रूरत थी, मैंने सारे निकाल के प्लेटफॉर्म पे रख दिए थे। पकौड़ों तलने के लिए हमने ऑयल गरम करके रख लिया है। चलिए अब पकौड़ों को तल लेते हैं। तो ये अब अच्छे से फेंट लिए गए हैं। अब इसका घोल किस तरह से पतला होना चाहिए, ऐसे देखिए, क्योंकि अगर आपको फ्लफी बनाना है ना, तो ये थोड़ा बैटर गीला ही होना चाहिए। अच्छा, अगर ठोस होगा तो ये फूलेगा ही नहीं। अच्छा अच्छा, कढ़ी इसके अंदर फिर इसे ही नहीं, फिर टेस्ट नहीं आएगा। रिफाइंड डाला आपने। पकौड़ों को आप प्याज वाले पकौड़े भी बना सकते हैं, इसमें सिर्फ प्याज मिला देना है आपको, लेकिन हमने इसे सिंपल पकौड़े बनाए हैं सिर्फ नमक और बेसन से। पकौड़ों को दोनों तरफ अच्छे से पलट कर तल लेंगे, और ये देखिए जो पकौड़े हैं अच्छे से फूले फूले हुए बने हैं, लेकिन हमने सिर्फ इसमें नमक डाला है, बेसन में और कुछ भी नहीं डाला है। लेकिन जब हम घोल पतला रखते हैं और तेल में डालते हैं, तो ऐसे चपटे चपटे बनते हैं सारे पकौड़े, लेकिन ये बहुत अच्छे से। तो इसके लिए दीदी कह रही हैं कि इसे अच्छे से फेंटना पड़ता है, जिसके कारण ये फ्लफ़ी हो जाएगा और ये जो पकौड़े हैं वो सॉफ्ट बनेंगे पतले घोल के कारण। और जब हम कढ़ी बनाएंगे, तो जो इसका रस है वो इसके अंदर अच्छे से जाएगा, जिससे इसका स्वाद बढ़ जाएगा। हमारे पकौड़े बनके हो गए हैं तैयार, अब हम इसे निकाल लेंगे बाहर। जब आप घोल पतला करते हैं, तो इस तरह से आपकी कढ़ाई गंदी हो ही जाती है। चलिए, दीदी बना रही है हमारे पकौड़े, मैं भी इसको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसे बने हैं। देखिए, बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब एक कटोरी में हम बेसन ले लेंगे। अब उसमें डाल देंगे हम जो हमारा 500 ml वाला है वो दही, ये सारा हम यूज़ करने वाले हैं, और इसमें मिला देंगे बहुत सारा पानी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके रख देंगे। अब हमने लिए हैं थोड़े से हरी मिर्ची, हरी मिर्ची को स्लिट करके रख लेंगे। जिंजर लिया है, एक को कूट लिया है और एक को थोड़ा कट करके रख लिया है, और लिए हैं लहसुन, लहसुन को भी ग्रेट करके रख लेंगे। अब एक कटोरी में हमने लिया है जीरा पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला का पाउडर और 1 चम्मच नमक। अब इसमें पानी मिलाकर रख देना है। अच्छा, लाल मिर्च का पाउडर भी डालना है। घर में पिसे हुए गरम मसाले ज़्यादा अच्छे होते हैं। ये क्या है, जिंजर, गार्लिक है, ये सब खड़े मसाले, जीरा मेथी। अब इसे अच्छे से फ्राई करना है। जब ये थोड़ी देर फ्राई हो जाए, उसके बाद इसमें डालेंगे कटे हुए प्याज, इसे भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने भिगोए हुए मसाले। इसे भी थोड़ी देर फ्राई करना है, जब तक ये तेल ना छोड़ दे।
छत्तीसगढ़ में जब हम कढ़ी बनाते हैं तो हम छौंक में करी पत्ता, सरसों ये भी डालते हैं, हींग डालते हैं, लेकिन इस कढ़ी में उतनी ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो अपने शौक के अनुसार उसको डाल भी सकते हैं। इस कढ़ी में हम टमाटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप सब्जी में भी बनाते हैं तो ऐसे ही मसाले को पहले पानी में भिगो लेते हैं? हाँ हाँ जरूर, टेस्ट आता है। हम लोग डायरेक्ट से तेल में डाल देते हैं, फ्लेवर नहीं उतर पाता मसालों का। अच्छा, ऐसे भीगने से वो नम पड़ जाते हैं और जैसे जैसे भूनोगे उसका फ्लेवर उभर के बाहर आता है। अच्छा, अच्छे से कढ़ी का मतलब ये है कड़कड़ के पकना। डाल दें, जब ये उबलने लग जाएगा ना उसके बाद फिर पकोड़े डाल देंगे इसमें। इसका ढक्कन कुछ इस तरह से लगाना है कि आधी खुली रहे और आधी बंद रहे। 10 मिनट हो गए हैं और कढ़ी में अच्छे से उबाल आ चुका है। अब हम इसमें पकौड़ियाँ डाल देंगे। पकौड़े डालने के बाद उसे 20 मिनट तक मीडियम फ्लेम में पकाना है। अगर आपकी कढ़ी खट्टी नहीं है तो आप उसमें आम, जो कच्चे आम होते हैं उसको जो सुखा के बनाते हैं, जिसे छत्तीसगढ़ में आम का खुला कहते हैं और पंजाब में भी इसे बनाया जाता है, तो वो डाल सकते हैं। हो गया है तैयार। अब इसमें धनिया पत्ती डालना है और गैस बंद कर देना है। चलिए इसे छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि जो हमारी पकौड़ी है वो कितने सॉफ्ट बने हैं। तो अब हम इसे कट करते हैं। ये देखिए आसानी से ये कट हो गया और जो इसके अंदर रस है वो भी काफ़ी अच्छे से भीग गया है और बहुत ही डिलीशियस है। कढ़ी हो गई है बनके तैयार। चलिए इसे टेस्ट करते हैं। हाँ, टेस्ट करके देखते हैं। बहुत ही ऑसम है। थैंक यू। वेलकम। ओके, तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए, जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें आपको हमारी वीडियो मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।